Question number one. The point of the x-axis which is equidistant from minus 4, 0 and 10, 0 is what? यानी ये चारों में से कौन सा पॉइंट है? So let the point be P x, 0. X-axis पे हमेशा जो y है वो 0 होता है. Equidistant है. तो यानी equidistant कौन सा पॉइंट है? एक पॉइंट मान लेते हैं 4, 0. B मान लेते हैं इसको 10, 0. यानी कि डिस्टेंस ऑफ पी ए इक्वल है डिस्टेंस ऑफ पी बी. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं दोनों साइड के अंदर. डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सॉल्व कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. सेम इसको भी सॉल्व कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. स्क्वेयरिंग बोथ द साइड. स्क्वेयरिंग बोथ द साइड. दोनों साइड में स्क्वेयरिंग कर दी. स्क्वेयरिंग करने का बेनिफिट ये होता है कि जो रूट है वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है. स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20x होल स्क्वायर. तो रूट हट गया यहाँ पे. एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20x. एक्स स्क्वायर कैंसिल 8x. 20 नेगेटिव का रह जाके पॉजिटिव हो गया. 100 माइनस 16 28 84 डिवाइड कर दिया. x की वैल्यू आ गई 3. बट द मेन पंच इज x एक्सिस का पॉइंट दूसरा था जो हमें मतलब पी एक्स कॉमा जीरो. तो पी थ्री कॉमा जीरो दैट मीन डी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर टू. वो कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज व्हाट. तो पॉइंट लेट कर लेते हैं. लेट ए एम कॉमा माइनस एन एंड बी माइनस एन कॉमा माइनस एम कॉमा एन. डिस्टेंस पूछ रहा है वो बिटवीन ए बी. तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं. एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर. माइनस है और ऑलरेडी का माइनस होता है तो दैट मीन ये प्लस हो गया. माइनस टू एम होल स्क्वायर प्लस टू एन होल स्क्वायर That is 4m square plus 4n square. Got it? इसके बाद जो अंडर रूट 4 है वो कॉमन ले लिया हमने. रूट में से 4 बाहर आ गया 2m square plus n square. That means c is our answer. Question number 3. The distance between the point this and this is what? तो लेट कर लेते हैं ए इस पहले पॉइंट को एंड बी दूसरे पॉइंट को. डिस्टेंस फॉर्मूला बताया. डिस्टेंस बिटवीन ए बी एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर a cos theta plus b sin theta whole square x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं है तो ये आ गया माइनस a cos theta plus b sin theta whole square. Same thing over here, a sin theta minus b cos theta whole square. Minus है और even power है तो minus हट जाएगा. तो a sin theta plus b sorry a cos theta plus b sin theta whole square. Same thing over here, as it is a sin theta minus b cos theta whole square. Open कर दिया इसको. ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए
इंटू बी, यहां पे भी ए माइनस बी हो स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, ए कॉस का थीटा ए साइन का थीटा को क्लोज लिख लिया, सेम ऐसे ही बी साइन का थीटा प्लस बी कॉस का थीटा को भी क्लोज लिख लिया, क्योंकि जैसे कि दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर कि हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा, सेम थिंग हमारा हो गया, बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा दैट इज इक्विवेलेंट टू 1, यूज करते हैं यहां पे ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द आंसर, दैट मींस सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन यूनिट इज व्हाट, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई एक्सिस वाई डैश, 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू माइनस 3 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये माइनस है, 1 2 वाई की वैल्यू माइनस 4 है, 1 2 3 4 नेगेटिव है, इसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट करते हैं, -3, -4 यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर में आएगा, x की वैल्यू -3 है और वो -4 तक लाई करती है, यानी ये पॉइंट है -3, -4, इसका मुझे डिस्टेंस बताया था x एक्सिस से, यानी x एक्सिस दिएगा यहां से लेकिन यहां तक का डिस्टेंस, यानी कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, तो डिस्टेंस जो है वो है -4, ये मॉड में आता है क्योंकि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, 4 इज द आंसर, 4 यूनिट यू कैन राइट। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, कंडीशन ऑफ कोलिनियर, कंडीशन ऑफ कोलिनियर के लिए डायग्राम बना लेते हैं, ऑल द 3 पॉइंट आर ऑन द सेम लाइन, ए है 3, 1, बी है 5, 3 और ये है 7, -3, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करा हमने पहले, डिस्टेंस ऑफ ए बी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो सॉल्व कर देते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी टू इंटू बी, सी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 5, डिस्टेंस ऑफ b, so the final value of b is that is b square plus 10b plus 29. So find the distance of AC, that is x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square, that is 16 plus 36 is 52. So the condition is distance of AB plus distance of BC, that is equivalent to distance of AC. Values are these: C square minus 2B plus 5, C square plus 10B plus 29, 252.
टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस फाइव 52 एक रूट को इस साइड ले गए टी स्क्वायर प्लस टेन पी प्लस 29 क्लियरिंग बोथ द साइड दोनों साइड क्लियरिंग कर दी हमने क्लियरिंग करने का मेन पर्पज जो होता है वो अंडर रूट को हटाना होता है टी स्क्वायर प्लस टेन पी प्लस 29 होल स्क्वायर क्योंकि जैसे हम उसकी स्क्वायरिंग कर देंगे ये रूट हट जाएंगे टी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस फाइव यूज द फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल टू पी प्लस फाइव 10p ऐड कर दिया 81 माइनस 2 अंडर रूट 52 इंटू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 10p प्लस 29 p वाली टर्म को और कॉन्स्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले गए रिमेनिंग टर्म जो है वो लिख दिया है माइनस टू पी माइनस टेन पी दैट इज माइनस ट्वेल्व पी इट्स माइनस 76 बाकी टर्म सेम एज इट इज टू कॉमन ले लिया फिफ्टी टू इंटू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस टेन पी प्लस 29 माइनस से माइनस कैंसिल टू से क्लियरिंग बोथ द साइड क्लियरिंग कर देंगे क्लियरिंग करने से रूट जो है वो हट जाते हैं क्लियरिंग करने का मेन पर्पज ही रूट को हटाना होता है बेसिकली ए स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर करेंगे दैट इज 38 इंटू 38
y2 that is 0 minus twice whole square. Minus 5 whole square plus again minus 5 whole square. That is 25 plus 25. That is 50. अब वो कह रहा है रूट टू टाइम्स, यानी कि अंडर रूट टू टाइम्स इनटू डिस्टेंस ऑफ ए बी. बेटर ऑप्शन इज व्हाट टू टेक द एलसीएम ऑफ 50. जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब पेयर होता है और यहाँ पे टू होता है तो दैट मीन्स कि पेयर में से एक बाहर आ जाता है और जो जिसका पेयर नहीं होता वो अंदर ही रह जाता है. यानी 5 इंटू 5 का पेयर था तो बाहर आ गया और रूट 2 सिंगल था तो रूट 2 के अंदर आ गया. दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है इसको यहाँ ले जाएंगे 5 अंडर रूट 2. 5 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. जब सेम नंबर रूट में होते हैं तो सिंगल नंबर निकल जाता है और रूट हट जाता है. 2 5 का 10. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ p 4 कॉमा माइनस 2 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट k 5 k कॉमा 3 एंड b माइनस k कॉमा 7. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. मेक द डायग्राम फॉर सी. That is A, B, that is P. The point P is 4, minus 2, K is 5, K, comma 3, B is minus K, comma minus 7. We have given there that there is a midpoint. Midpoint stands for 1 into 1. Use the section formula. 4, 1 ko kiya minus K se, plus 1 isko kiya 5 K se. That is 1 plus 1, 2, minus 2, 1 को किया minus 7 से, plus 1 को किया 3 से, 1 plus 1, 2. Section formula is what? It's x1, y1, x2, y2, m ratio n, it's x, y, that it will be e. x equals to m को किया x2 से मल्टीप्लाई प्लस n x1 अपॉन m प्लस n. दैट इज m y2 प्लस n y1 m प्लस n. इस फॉर्मूले का यूज किया हमने. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. दैट इज 8 माइनस k प्लस 5 k 4 k 8 डिवाइड बाय 4. So the value of k is 2. अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा आंसर इक्वल में आएगा. बट इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू निकाल सकते हैं. नंबर ए, द पॉइंट ए बी सी एंड डी इन दैट ऑर्डर फॉर्म अ रेक्टेंगल. हमें बताना है कि ये रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं. तो रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ए बी सी डी. ऑर्डर फॉर्म अ रेक्टेंगल, इसी सेम ऑर्डर में हमारे पॉइंट होने चाहिए. माइनस वन कॉमा माइनस टू, फोर कॉमा थ्री, टू कॉमा फाइव, माइनस थ्री कॉमा जीरो. ये दो डायगनल हैं एसी और बीडी, दोनों को ज्वाइन कर दिया. पहली कंडीशन होती है अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो डिस्टेंस ऑफ एडी इक्वल आना चाहिए डिस्टेंस ऑफ बीसी. डिस्टेंस ऑफ एबी बराबर होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ बीसी. Distance of the diagonal, that is AC, and distance of the diagonal, that is BD, equal also. So, ये तीनों condition हमारी verify होनी चाहिए. So, first condition को verify करते हैं.
डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर है अंडर रूट ए सॉरी दैट इज ए डी एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर टू होल स्क्वायर दैट इज माइनस टू होल स्क्वायर दैट इज फोर प्लस फोर दैट इज एट सो आंसर इज टू अंडर रूट टू कैसे आ रही है टू इंटू टू इंटू टू टू अंडर रूट टू ऐसे आ रही है सेकेंड डिस्टेंस ऑफ बीसी दैट इज बीसी एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फाइव होल स्क्वायर फोर अगेन फोर आंसर इज ए तो ये इसके इक्वल है तो मेरी पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है ऐसे ही सेकंड पार्ट देखा मैंने इसका डिस्टेंस ऑफ ए बी ए बी का डिस्टेंस निकाला एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर 25, 25, that is 50, it's 5 under root 2. Distance of AB da, that is DC. DC ka distance nikala, 2 plus 3 whole square plus 5 minus 0 whole square. Again it's 25 plus 25, again it's 50, 5 under root 2. Same, yani ki meri second डी कंडीशन सेटिस्फाई होती है थर्ड डिस्टेंस ऑफ द डायगोनल ऑफ एसी एसी टू प्लस वन होल स्क्वायर प्लस फाइव प्लस टू होल स्क्वायर दैट इज नाइन एट 49 58 डिस्टेंस of the other diagonal that is BD it's 4 plus 3 whole square it's 3 minus 0 whole square that is 7 whole square 9 it's 3 whole square 9 so the answer is 58 ये दोनों भी equal है that means मेरी third condition भी satisfy होती है तो जो पॉइंट्स है ये रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं क्योंकि ये मेरी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तो कह रहा पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम की एक हम शेप बना लेते हैं ऑर्डर में होने चाहिए सारे पॉइंट ए बी सी डी 4, 3 6, 4 5, -6 एंड -3, 5 टू डायगनल ए सी एंड बी डी इसकी कंडीशन क्या होती है कंडीशन ऑफ अ पैरेललोग्राम पहला डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की हमेशा इक्वल और पैरेलल होती है सेकेंड distance of AD equal to distance BC. Third, जो diagonal होते हैं वो कभी भी equal नहीं होते Distance of AC is not equal to the distance of BD. तो ये तीन condition हमें satisfy करनी है अगर तीनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो दैट मींस ये एक पैरेललोग्राम है इसको सॉल्व करते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस लिया एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर सॉल्व किया इसको टू होल स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर दैट इज फोर प्लस वन सो द आंसर इज रूट फाइव देखते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ ए बी था ये अब निकालते हैं डी सी
d3 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो वो माइनस 3 था, दैट वाज ये प्लस हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. इट्स 5 8 5 प्लस 3 8 64. इट्स माइनस 11, दैट इज 121. इसको ऐड कर देते हैं, इट्स 185. तो 185 इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 5. सो दैट मीन्स कि डिस्टेंस, पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, डिस्टेंस ऑफ AB इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ DC. देयरफॉर ABCD इज नॉट फॉर्म अ पैरेललोग्राम. अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती तो वो कभी भी पैरेललोग्राम नहीं बनाएगा. क्वेश्चन नंबर 10, वो कह रहे हैं इट इज बीइंग गिवन दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर. तो कोलिनियर की कंडीशन पहली बार तो ये होती है कि तीनों पॉइंट ए की लाइन में है, ए बी सी, बी दैट इज सी. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ए एंड बी इज ट्रू, इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है. तो पहले तो पॉइंट डाल लेते हैं, 1, 2, 0, 0, दैट इज ए कॉमा बी. तो कंडीशन क्या होती है कोलिनियर की, कंडीशन ऑफ कोलिनियर दैट इज ए बी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, दैट इज जो इन दोनों का सम है वो इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ ए सी. ये कंडीशन हमेशा ध्यान होनी चाहिए कोलिनियर की. तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए बी का डिस्टेंस है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5. दूसरा डिस्टेंस ऑफ बी सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो द आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. थर्ड वन इज द डिस्टेंस ऑफ ए सी, ए से सी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. इसको ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए टू बी, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू ए टू बी. तो आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस माइनस 4 बी प्लस 5. तो ये जो कंडीशन थी इसको अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस of BC equal to distance of AC. जैसा कि AB था हमारा under root 5, BC था हमारा under root A square plus B square, और distance ये था A square plus B square minus 2A minus 4B plus 5. Squaring कर देते हैं दोनों साइड में, squaring both the sides. शेयरिंग कर दी हमने दोनों साइडों पे, माइनस 2 है माइनस 4b प्लस 5. यहां प्रॉपर्टी लगी a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 5 आ गया, स्क्वायर किया तो रूट हट गया, ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू B. स्क्वायर का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4b प्लस 5. ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, रिमेनिंग बचा 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां आ गया माइनस 2a माइनस 4b, 2 अंडर रूट 5
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू कॉमन ले लिया, ए प्लस टू बी, टू से ए टू कैंसिल हो गया। जो रिमेनिंग मेरा पार्ट बचा वो बचा अंडर रूट फाइव इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए प्लस टू बी, अगेन स्क्वेयरिंग कर दी बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग कर देंगे तो यहां पे रूट कट जाएंगे। स्क्वेयरिंग का मेन पर्पज ये होता है अंडर रूट को हटाना, ए प्लस टू बी होल स्क्वायर, ये आ गया फाइव, यहां आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का तो इवन पावर है माइनस कट गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए टू बी इट्स फोर ए बी, ओपन करा माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी इक्वल टू जीरो, फाइव ए में से एक ए चला गया फोर ए स्क्वायर, फाइव बी स्क्वायर में से फोर बी स्क्वायर चले गए प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी इक्वल टू जीरो, प्रॉपर्टी बनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, प्रॉपर्टी हो गई ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, आ गया टू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, टू ए इक्वल टू बी, इज आवर लास्ट इक्वेशन, दैट मीन बी जो है इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द पॉइंट इज लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज दिस वन, दैट मीन एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, एक लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पॉइंट है ए दैट इज माइनस टू कॉमा माइनस फाइव, पॉइंट है बी इसके पॉइंट है टू कॉमा फाइव, सी एक यहां पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है डीपी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टैंड फॉर इसकी जो रेशियो है दैट इज 1 into 1. So use the fraction formula over here. X equal to, अगर 1 into 1 है, तो section formula में एक formula है, midpoint formula. तो उसका use किया जाता है, that is midpoint formula. That is basically the part of the section formula. वो क्या है? X1 plus X2 upon 2. y equal to y1 plus y2 upon 2. Use this one. x1 plus x2 upon 2. y equals to y1 plus y2 upon 2. x equal to 0 or y equal to 0. So, two points are there in our part. 0, 0. That is, A is the answer. Question number 12. Find the point on x-axis which is equidistant from the point this and this. So let the point on the x-axis be x, 0. इसको P मान लेते हैं। जैसे already पहले भी वीडियो में अंदर मैंने समझाया है कि जो x-axis है वहां पे जो पॉइंट हम लेते हैं उसमें हमेशा y 0 होता है, और अगर y एक्सिस की बात होती है तो हमेशा x का पॉइंट 0 होता है, यानी 0, y वहां पे होगा। जैसे यहाँ पे x, 0 है, इक्विडिस्टेंस का मतलब है यहां से डिस्टेंस इसका यानी पॉइंट का और ऐसे ही डिस्टेंस इस पॉइंट का सेम है, तो यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ CA इक्वल है डिस्टेंस ऑफ CB, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं दोनों साइड के अंदर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Simplify कर देते हैं, a square plus b square minus 2 into a to b. Again, a square plus b square plus 2 into a to b. It's x square minus 4x plus 8. That is x square plus 8x plus 20. Clearing both the sides. ये कंसेप्ट होता है कि जब भी कभी भी दोनों साइडों में रूट आता है तो हम स्क्वेयरिंग करते हैं रूट को हटाने के लिए,
तो दोनों तरफ स्टीयरिंग कर दी हमने, स्टेप को शो करके दिखाना थोड़ा बेटर रहता है ताकि पता चल जाता है कि हमने स्टीयरिंग की है। स्टीयरिंग करी तो रूट हट गया, इस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस ट्वेंटी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इट्स माइनस फोर एक्स, माइनस वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सब राइट हैंड साइड में, ट्वेल्व अपॉन माइनस ट्वेल्व, दैट इज x की वैल्यू आ गई माइनस वन। बट अवर आंसर इज व्हाट, फाइंड द पॉइंट, वी नीड टू फाइंड द पॉइंट दैट इज x कॉमन जीरो, सो द पॉइंट इज माइनस वन कॉमन जीरो इज द फाइनल आंसर, दैट नॉट द फाइनल आंसर। इफ वी विल लीव ओवर हियर देन मार्क्स विल बी डिडक्टेड, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर, सो दैट इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, बी एक पॉइंट गिवन है, क्यू एक पॉइंट गिवन है, आर द टू पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर ऑन पी क्यू सच दैट पी आर इज ट्वाइस ऑफ क्यू आर। तो एक डायग्राम बनाते हैं पी क्यू, क्योंकि आर उस पे पॉइंट है, आर माइनस टू कॉमा फाइव थ्री कॉमा टू, आर की कोऑर्डिनेट मुझे बतानी है, मुझे पता नहीं है। अब इसकी रेशियो क्या है, रेशियो कैसे पता चलेगी, पी आर अपॉन क्यू आर इक्वल टू टू बाय वन, यहां से पता चली है। क्यू आर को मैं नीचे ले आया तो पी आर और क्यू आर की रेशियो टू इंटू वन, दैट इज टू इंटू वन। इसके बाद यूज करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला, x की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे टू को थ्री से प्लस वन को माइनस टू से अपॉन टोटल टू प्लस वन दैट इज थ्री, सिक्स माइनस टू बाई थ्री इट फोर बाई थ्री, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज फोर बाई थ्री। वाई की वैल्यू के लिए टू को मल्टीप्लाई करेंगे टू से प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव से अपॉन थ्री, दैट इज फोर प्लस फाइव बाई थ्री इट नाइन बाई थ्री, कैंसिल आउट करेंगे सो द वैल्यू ऑफ वाई थ्री, सो द पॉइंट ऑफ आर दैट इज फोर बाई थ्री कॉमन थ्री इज द फाइनल आंसर। आंसर नंबर 14, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि जो इसके पॉइंट आ जाएंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई जाते हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द पॉइंट, सो मेक द डायग्राम, लेट इट ए पॉइंट बी एट कॉमा माइनस नाइन, बी पी टू कॉमा थ्री, इसको मान लेते हैं पी, रेशियो 1:2 x comma y we need to find, so use the section formula, x equal to 1 को 2 से multiply करेंगे, 2 को 8 से that is 3, so the value of x is 2, 16 upon 3 that is 18 upon 3, 6, so the value of x is 6, similarly y की value निकालेंगे, 1 को करेंगे 3 से multiply plus 2 को करेंगे minus 9 से, that is 3, y equal to 3 minus 18 upon 3, that is minus 15 by 3. So the value of y is minus 5. So our point, that is P, x, comma y. So the value of x is this one, value of y is this one. Cartesian plane bana lete hain. X axis, x dash, y axis, y dash. पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा y की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, this is the negative one, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, this is the negative one, पहली वैल्यू x की 6 वेरी, दूसरी वैल्यू y की, माइनस फाइव ये, यानी कि यहां से चला यहां आया सिक्स कॉमा माइनस फाइव, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि ये जो पॉइंट हमारे लाई करेंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, सो डी इज द आंसर। सो फर्स्ट वी मेक द डायग्राम,
एक पॉइंट ले लेते हैं 1.3, बी एक पॉइंट ले लेते हैं 2.7। ये जो पॉइंट है इसके बीच में लाइन लाई कर रही है, तो लाइन है ये, दैट इज 3x + y - 9 = 0। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं x, y। पॉइंट की वैल्यू निकाली हमने, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्टली द रेशियो। तो x की वैल्यू आ गई, k को किया 2 से, 1 को किया 1 से, k + 1, y इट्स 7k + 3k + 1। जैसे बताया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये लाइन इस पे लाई कर रही है, डैट मींस के दोनों पॉइंट ही इस लाइन में लाई करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन लाइन और इक्वेशन ऑफ लाइन, व्हाटएवर यू वांट टू राइट हियर। 3 x की वैल्यू ऑफ y 2k + 1 / k + 1 प्लस y की वैल्यू 7k + 3 / k + 1। 9 को इधर ले गए, नेगेटिव का इधर आगे पॉजिटिव हो गया, दैट इज 6k + 3 / k + 1, 7k + 3 / k + 1, दैट इज इक्वल टू 9। एक एलसीएम k + 1, एलसीएम लिया 6k + 3 + 7k + 3 = 9। 6 और 7 को ऐड किया, 13k + 6 = 9k + 1। 13k + 6 मल्टीप्लाई कर दिया 9k + 9। k वाली सारी साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, कॉन्स्टेंट जो होता है हमेशा राइट हैंड साइड आ जाता है। 4k 3, तो द वैल्यू इज 3/4। बट वी नीड टू फाइंड द रेशियो, तो द रेशियो इज 3:1, 3/4 ratio 1 multiply both the sides by 4, दोनों साइड पे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो द रेशियो इज 3:4 इज द आंसर। 15 क्वेश्चन, अ पैरेललोग्राम हैज वर्टिसेस PQRS, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। एक डायग्राम बना लेते हैं, PQRS, द पॉइंट इज माइनस द पॉइंट सॉरी द पॉइंट इज 1.4, इट्स 7.11, इट्स 8.4, इट्स 1.-3। तो कंडीशन होती है ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो मिड पॉइंट ऑफ PR इज इक्विवेलेंट टू मिड पॉइंट ऑफ SQ। सो यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। मिडपॉइंट निकाल लिया, दैट इज x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2 इक्वल टू SQ x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। इट्स 1 + 8/2, 8/2, दैट इज 4, 4, that is 8/2, again it is also 4. 1 + a/2, 4 equal to 4, 4. Compare x to x से और y to automatically ही same आ रहा है, because we need to find a single variable a. 1 + a/2 = 4. Cross multiply कर दिया, that is 4 to the 8, 8 minus 1, the value of A is 7 is the answer.